So, first of all, good morning everyone and welcome to the online classes. और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया कि जो हम लोग आप लोग देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर कि मैंने आप लोगों का पेपर टू का सिलेबस ओपन किया है, जिसमें से हम लोगों ने हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ये हमने पढ़ लिया है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो है हमने जीन कॉन्सेप्ट को भी देखा और आप लोगों का जो क्लोनिंग के स्टेप्स थे और उसके एप्लीकेशंस थे उनको भी हमने डिस्कस किया। मैंने जो हाईलाइट किया है उसे हमने डिस्कस कर लिया है अच्छे से। जो सेकेंड टॉपिक है होस्ट कंट्रोल्ड रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, इसे हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसे हम पढ़ने से पहले एक जो सेकेंड नंबर के टॉपिक में मैंने जैसे हाईलाइट किया है आप लोगों का रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। ये जो रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम है हमें इसे पहले अच्छे से जानना होगा, समझना होगा कि ये क्या चीज है। उसके बाद ही हम दूसरे चीज को समझेंगे, दूसरे होस्ट कंट्रोल्ड क्या होता है, मॉडिफिकेशन सिस्टम क्या है इसको बाद में, पहले तो रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम क्या होता है इसे हमको अच्छे से समझना होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। हम ये देखेंगे कि व्हाट इज रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, ये होता क्या है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को, आज भी बोल रही हूँ कि सब लोग पेन डाउन नोट करें, हर चीज को कॉपी पेन लेकर बैठा करें जब भी क्लासेस होती हैं, क्योंकि नोट्स तो हम बनाते हैं, नोट्स में हम लिखते हैं, नोट्स का लिखना इज डिफरेंट, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस किए जाते हैं जो हम नोट्स में नहीं लिखे रहते हैं, इसलिए हर चीजों को हर पॉइंट टू पॉइंट नोट करने की आदत डालो, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आरएम सिस्टम भी बोलते हैं, आरएम सिस्टम, आरएम मतलब रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन, ये है क्या चीज। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम जो है, ये जो सिस्टम है आपका पाया जाता है बैक्टीरिया में, ठीक है, बैक्टीरिया में ये सिस्टम पाया जाता है। बैक्टीरिया मतलब आपके जीवाणुओं में, ठीक है। ये जो रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम है बैक्टीरिया में पाया जाता है, और इसके बैक्टीरिया के अलावा किस में पाया जाता है अगर बात की जाए तो, ये बैक्टीरिया के अलावा अन्य प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, अन्य प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में भी ये रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम मतलब आरएम सिस्टम पाया जाता है। अब ये करता क्या है, तो जब कभी भी आप कोई भी फॉरेन डीएनए अपने बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश करवाते हैं या किसी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रवेश कराते हैं, तो ये जो रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम रहता है ये डिफेंस करता है बैक्टीरिया को या फिर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को जिसमें ये पाया जाता है। जैसे कि मैंने क्या बताया कि ये बैक्टीरिया में और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, ठीक है। तो इनमें जब ये पाया जाता है ये आरएम सिस्टम, तो ये जो आरएम सिस्टम है ये करता क्या है, ये क्या सिस्टम रहता है। तो होता यूं है कि मैंने जब आप लोगों को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ाई थी तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेते हैं दो डीएनए को मिलाकर, तो हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसे हमको होस्ट के अंदर ट्रांसफर करना होता है, ठीक है। होस्ट के रूप में हम यूजुअली किसे लेते हैं, हम किसी बैक्टीरिया को यूजुअली लेते हैं, हमेशा प्रोबैक्टीरिया को ही लेते हैं, बैक्टीरियल सेल को ही लेते हैं। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि जब हम बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश कराने की कोशिश करते हैं अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, तो वो जो डीएनए है वो फॉरेन डीएनए कहलाएगा उस बैक्टीरिया के लिए। क्यों कहलाएगा, क्योंकि वो बाहर का डीएनए है। कोई व्यक्ति आपके देश का रहता है तो वो देश का ही व्यक्ति है, नॉर्मली इंडिया से तो इंडिया नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर से आ रहे हैं, वो किसी बाहर कंट्री से आ रहा है, तो आप उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, फॉरिनर है करके। उसी प्रकार वो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर की जो चीजें जो उसकी खुद की हैं वो उसके लिए नॉर्मल देसी चीजें हैं जो वो खुद की हैं उसकी,
लेकिन अगर बाहर से कोई चीज प्रवेश करने की कोशिश कर रही है तो उसके लिए वो वर्ड फॉरेन बोल रहा है। तो उसके लिए वो जो डीएनए जो हम प्रवेश कराना चाह रहे हैं, जो हमने क्या बनाया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, आरडीएनए, जिसे हम किसमें प्रवेश करना चाहते हैं, हमारे जो बैक्टीरिया है उसमें हम प्रवेश कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो बैक्टीरिया है इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फॉरेन डीएनए के रूप में देखेगा। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसके रूप में देख रहा है, फॉरेन डीएनए के रूप में, क्योंकि ये बाहर का डीएनए है, इसका तो खुद का डीएनए उसके पास है, तो ये फॉरेन डीएनए को कभी भी आने नहीं देता है। ये भी मैंने बताया था जब मैंने आप लोगों को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ाया था, तो मैंने ये बताया था कि कभी भी जब हम कोई भी आपका फॉरेन डीएनए को प्रवेश कराने की या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्रवेश कराने की कोशिश करते हैं होस्ट के अंदर, तो वो जो होस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं करता है उसे, वो ऐसे किसी को भी आने नहीं देता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, थर्मल शॉक करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, जिससे क्या हो, वो आपके बैक्टीरिया के अंदर या होस्ट के अंदर आपका फॉरेन डीएनए जो है वो प्रवेश कर जाए। ठीक है, तो वो क्यों प्रवेश नहीं कर पाते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर है हमारा रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। बैक्टीरिया में और अन्य प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ये जो रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम पाया जाता है, ये ऐसा सिस्टम रहता है जो क्या करता है, डिफेंस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करेगा, डिफेंस मतलब रोकथाम देता है। किस चीज से रोकथाम देगा, ये रोकथाम देता है हमारे बैक्टीरिया को किसी फॉरेन डीएनए से, ताकि कोई भी फॉरेन डीएनए हमारी बॉडी में प्रवेश ना कर जाए, बैक्टीरिया की बॉडी में प्रवेश ना कर जाए, इसलिए रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम जो है इनमें पाया जाता है, जो कि फॉरेन डीएनए से के अगेंस्ट डिफेंस क्रिएट करता है, रोकता है फॉरेन डीएनए को ताकि वो अंदर मत आए। ठीक है, सच एज दैट बोर्न बाय बैक्टीरियोफेजेस। अब ये सिस्टम होता क्यों है, अब आप बोलोगे मैडम रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो हम अच्छे चीज के लिए करा रहे हैं, तो उसका तो नहीं रोकना चाहिए उसको। देखिए फॉरेन डीएनए, उसके लिए कोई भी फॉरेन डीएनए बाहर की चीज है तो वो उसको फॉरेन डीएनए ही मानेगा, कोई भी डीएनए अगर बाहर का है उसकी बॉडी का छोड़कर, तो वो सिर्फ फॉरेन डीएनए भी मानेगा, भले वो अच्छी चीजें क्यों नहीं रहे। कई बार ये चीजें लेकिन गलत भी होती हैं, जैसे कि आपका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गलत चीज का इसमें, तो मैं आपको बताना चाहूंगी बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस का नाम आपने सुना होगा, ये बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं ये बता देती हूँ। जब कभी भी कोई भी वायरस जो है, ठीक है, जब कभी भी कोई भी वायरस किसी भी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, किसी भी बैक्टीरिया को वो इन्फेक्ट कर देता है और बैक्टीरिया को पूरा अपना घर बना लेता है, इसमें पूरा वायरस ने अपना घर बना लिया, पूरा वायरस ने उसे जकड़ के रख लिया है, तो वो बैक्टीरिया क्या कहलाने लगता है, बैक्टीरियोफेजेस। ठीक है, तो मतलब आपके वायरस और बैक्टीरिया का मिला जुला रूप क्या कहलाएगा, आपका बैक्टीरियोफेजेस। तो वो हमारे लिए डेंजरस होता है कभी भी, क्योंकि बैक्टीरिया के रूप में ही वो क्या चीज आ रही है, वायरस आ रहा है, तो इस चीज से भी हमको बचना ही है, किसको, हमारे बैक्टीरियल सेल को। इसलिए जो हमारा बैक्टीरिया होता है उसके अंदर जो रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम उनमें जो पाया जाता है, आरएम सिस्टम, वो हर एक बाहर के डीएनए को अपना दुश्मन मानता है, फॉरेन डीएनए को, और उसे लड़ने की कोशिश करता है। क्यों, क्योंकि कोई भी अगर फॉरेन डीएनए प्रवेश कर गया तो वो नुकसान कर सकता है, वो ये सोचता है, उसे थोड़ी ना पता है कि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जो उसके फायदे का चीज है, या फिर वो किसी पर्पस के लिए किया जा रहा है, उसके कोई नुकसान नहीं होगा उसे, तो ये चीज। इसलिए जो है आपका जो रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम जो है, एक ऐसा सिस्टम है जो आपके बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, और जिनको क्या करने के लिए, वो करते क्या है, आपके बैक्टीरिया को या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को फॉरेन डीएनए के अगेंस्ट डिफेंस प्रदान करते हैं, फॉरेन डीएनए के अगेंस्ट में जो है सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, ताकि फॉरेन डीएनए जो है वो प्रवेश ना कर पाए। ये होता है आपका रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। अब आगे देखते हैं,
के पास जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी होता है उपस्थित, बैक्टीरिया और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑल्सो। और ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया के पास होते हैं, अभी मैं बात कर रही हूँ किसकी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की। जो कहाँ पर रहते हैं आपके बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया के पास उपस्थित होते हैं। बैक्टीरिया के पास जो है आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी होते हैं, और इन्हें हम जो है, इन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम नॉर्मल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है, ये इसलिए बोला जा रहा है कि बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाले जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, उन्हें हम बोल रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। अब ये क्या काम करते हैं, इसे जानना जरूरी है। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो रहते हैं हमारे, उसे ये क्लीव करने का काम करते हैं। ये क्लीव क्या है, क्लीव जो वर्ड यूज हुआ है वो क्या है, उसे देखते हैं। क्लीव करना मतलब टुकड़ों में तोड़ना। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रहता है, ये मॉलिक्यूलर सीजर के रूप में भी जाना जाता है, जो कि डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देता है। डीएनए को ये छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देना, इसके पास ये सक्षमता पाई जाती है। तो बैक्टीरिया के अंदर जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पाया जा रहा है, जिसे हम किस नाम से जान रहे हैं, किस नाम से बुला रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के नाम से हम जान रहे हैं। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए रहता है, उसे स्पेसिफिक पॉइंट्स पर क्या करता है, स्पेसिफिक पॉइंट्स पर छोटे छोटे टुकड़ों में कट करता है। और तो इसके फलस्वरूप जो है हमारे पास डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर बनाया है। ये प्रॉपर डीएनए था आपका एक, उसे आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मतलब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने पर्टिकुलर लोकेशन पे कट किया, क्लीव किया। ठीक है, क्लीव करना मतलब आपका क्या करना, कट करना छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है, कट करने की वजह से जो आपका जो डीएनए है, वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में बढ़ गया। ठीक है, विच आर देन डिग्रेडेड फर्दर बाई अदर एंडोन्यूक्लियेजेस। अब ये जो डीएनए है, जो छोटे छोटे टुकड़ों में कट गया, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो विभाजित हो गया है, क्योंकि इसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है था हमारा, उसने क्या किया, आपका छोटे छोटे विशिष्ट बिंदुओं पे मतलब पर्टिकुलर लोकेशन पे, छोटे छोटे लोकेशन पे, अलग अलग लोकेशन पे उसने कट मार्क लगाया, जिसके फलस्वरूप आपको ये प्राप्त हुआ, ये पूरा छोटा छोटा फ्रेगमेंट। अब ये जो छोटा छोटा फ्रेगमेंट प्राप्त हुआ है, ये क्या होगा, अब ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं डीएनए के, इन्हें एंडोन्यूक्लियस जो है क्या करेगा, और डिग्रेड करेगा। जो एंडोन्यूक्लिएज जो एंजाइम है इसी का ही, वो क्या करेगा, और डिग्रेड करता है इन्हें। ठीक है, जिस क्यों डिग्रेड क्यों कर रहे हैं ये जानना जरूरी है। तो इसे हम इस प्रकार से समझेंगे, ये आपका बैक्टीरिया है। ठीक है, ये आपका बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया के पास आ रहा है कोई फॉरेन डीएनए, ठीक है, जिसको इसके अंदर प्रवेश करना है, इस बैक्टीरिया के अंदर। तो होगा क्या, इसमें हमारे बैक्टीरिया में आरएम सिस्टम पाया जाता है, आरएमएस मतलब आरएम सिस्टम। अब ये जो आरएम सिस्टम है, ये आरएम सिस्टम करता क्या है, आरएम सिस्टम क्या करेगा, इस बैक्टीरिया को रोकेगा ताकि ये प्रवेश ना करे। उसके लिए ये आरएम सिस्टम क्या करेगा, इस जो डीएनए है,
इस आरएम सिस्टम मतलब रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम में उपस्थित जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ठीक है, जिसे हम बैक्टीरिया के अंदर जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है तो वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहलाता है, क्योंकि इसमें दो एंजाइम एक साथ कार्य करते हैं, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब क्या करेगा ये जो सिस्टम है, ये जो फॉरेन डीएनए है ना उसका, उसको ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है छोटे छोटे लोकेशन पे पहले कट लगाएगा, जिसके फल स्वरूप जो है आपका जो फॉरेन डीएनए है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। अभी जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, अब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के बाद एक तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कर दिया काम अपना, अब ये बचा कुचा काम का जो है वो कौन करेगा, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आगे का कार्य को। ये जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये इसे और डिग्रेड कर देता है और इसे नष्ट करने की कोशिश करता है और कमजोर बनाता है इसे, ये जो डीएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट जो हैं उसे ये और बहुत ज्यादा डिग्रेड करने की कोशिश करता है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हमारा। तो कर क्यों रहे हैं उन लोग ऐसा, ये जानना जरूरी है। पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दे रहे हैं, फिर उसके बाद उसे और डिग्रेड कर रहे हैं, तो ये सब के पीछे का रीजन क्या है? वो इसलिए कर रहे हैं ऐसा ताकि आपका जो फॉरेन डीएनए है उसमें अगर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है ठीक है, तो वो इन्फेक्शन को वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है, टू डिस्ट्रॉय द इन्फेक्शन। अब ये जो इन्फेक्शन है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए ये पहले तो डीएनए को तोड़ रहे हैं, ये डीएनए को तोड़ने के बाद उसे और डिग्रेड कर रहे हैं, जिसके फल स्वरूप जो आपका फॉरेन डीएनए है उसमें जो उपस्थित इन्फेक्शन है वो डिस्ट्रॉय हो सके। और अगर इन्फेक्शन डिस्ट्रॉय होगा तो साथ में क्या भी डिस्ट्रॉय होगा, आपका डीएनए भी डिस्ट्रॉय होगा। ठीक, तो आपका जो ये फॉरेन डीएनए है इसे ही खत्म करने की कोशिश कर रहा है कौन, आपका बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाला रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। ये हमारा जो जो भी डीएनए था फॉरेन डीएनए उसे ये क्या कर रहा है, पूरा नष्ट करने के लिए पहले उसने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके फ्रैगमेंट्स बना लिया, अब उसे वो और डिग्रेड कर रहा है, डिग्रेड करने से उसका इन्फेक्शन गया, इन्फेक्शन के साथ साथ वो पूरा बैक्टीरिया जो डीएनए था फॉरेन डीएनए वो भी नष्ट हो गया। ठीक है, आप कभी भी एक बात बताइए, आपका जो होस्ट रहता है, ये होस्ट है आपका जिसके रूप में आप हमेशा बैक्टीरिया को लेते हैं, मतलब ये जो बैक्टीरिया जिसके अंदर जाने वाला था ये होस्ट था आपका, तो होस्ट के अंदर प्रवेश कराने के लिए जरूरी क्या होता है? आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था जो हम लोगों ने पढ़ा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्रवेश कराने के लिए एक कोई गाड़ी लगेगी एक जगह से दूसरे जाने जगह जाने के लिए ना, तो आपने वेक्टर के रूप में प्लाज्मिड यूज किया था, प्लाज्मिड में आप अपने डीएनए को जो है प्रवेश करवाए थे, और ये आपका क्या बना था, आरडीएनए बन गया था, आरडीएनए बन गया, प्लाज्मिड में प्रवेश करा लिया, प्लाज्मिड को वापस से आप किस में डालेंगे, आप अपने बैक्टीरिया के अंदर इस प्लाज्मिड में डाले थे, प्लाज्मिड अपने आप गोल गोल थोड़ी ना घूम के जाएगा इस बैक्टीरिया के अंदर, तो फिर आपने क्या किया, आपने बैक्टीरिया लिया, उस बैक्टीरिया के अंदर वापस से आप अपने किसको प्रवेश कराए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, आपके जो प्लाज्मिड है जिसमें आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जिसको, उसको प्रवेश कराया। अब ये बैक्टीरिया जाएगा किसके अंदर, आपके होस्ट के अंदर, तो ये जो जो होस्ट रहता है हमारा, जो होस्ट बैक्टीरिया रहता है ये कभी भी दूसरे बैक्टीरिया को, दूसरा बैक्टीरिया फॉरेन डीएनए लेकर आ रहा है क्योंकि मेरे पास आ रहा है मेरे से चिपकने आ रहा है, तो मतलब ये इन्फेक्शन लेकर आ रहा है ऐसा सोचता है, इसलिए उसे दूर करने के लिए जो ये जो रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम होता है वो उसके विरुद्ध कार्य करता है। कैसे कार्य करेगा, पहले तो वो जो डीएनए रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम में पाया जाने वाला जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो पहले डीएनए को कट लगाएगा,
कट लगाने के बाद उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया, उसके बाद उसमें उपस्थित जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो उसे और डिग्रेड करके डिस्ट्रॉय कर देता है, पूरा इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय करता है, जिसके फलस्वरूप डीएनए भी पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, ताकि वो हमारे अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाए, मैं उसके डीएनए को ही पूरा नष्ट कर दूंगा, ऐसा सोचता है रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, आरएम सिस्टम, ठीक। लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं, जो मैं बता रही हूँ आप लोग को, ये हर बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है, ये कुछ ही बैक्टीरिया में ही पाया जाता है, और ये जो एक्टिव फॉर्म में कुछ ही बैक्टीरिया में पाया जाता है, जैसे अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 1/4 ऑफ द नोन बैक्टीरिया पोजेस आरएम सिस्टम, एंड ऑफ दोस अबाउट 1.5 हैव मोर देन वन टाइप ऑफ सिस्टम। इसका मतलब ये बोला जाता है 1/4 जो बैक्टीरिया है, मतलब हमारे जितने हम बैक्टीरिया को जानते हैं उनमें का सिर्फ 1/4 बैक्टीरिया ही ऐसे हैं जिनमें आरएम सिस्टम पाया जाता है, और ये वो जो 1/4 बैक्टीरिया में ही पाया जाता है क्या, आरएम सिस्टम, और ये इस 1/4 का जो आधा हिस्सा, 1/4 का भी आधा जो है, और उनमें से लगभग आधे आधे में से एक से अधिक प्रकार के सिस्टम होते हैं, मतलब ये जो 1/4 हिस्से में ये आरएम सिस्टम पाया जाता है, 1/4 बैक्टीरिया में, जितने हमको बैक्टीरिया ज्ञात हैं उन ज्ञात बैक्टीरिया में से सिर्फ 1/4 बैक्टीरिया में ही ये आर रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम पाया जाता है, और इस 1/4 हिस्से में, 1/4 हिस्से का आधा, 1/4 हिस्से का जो आधा है उसमें एक सिस्टम बस नहीं रहता है, उनमें एक से अधिक सिस्टम जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है, आरएम सिस्टम के अलावा भी हो सकता है कि और सिस्टम भी हो उसमें, ठीक। तो ये मैंने जनरल इंट्रोडक्शन दिया आपको रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम का, ठीक है, और आई होप आप लोगों को क्लियर समझ आया होगा कि रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम बोलते किसे हैं, ये होता क्या है। इसलिए मैंने बोला था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए पढ़े थे तो मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि जब हम होस्ट के अंदर ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं हमारे आरडीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, तो वो आसानी से उसे प्रवेश करने नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि उसमें क्या पाया जाएगा, अगर रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम पाया जाएगा तो वो बिल्कुल प्रवेश करने नहीं देगा, ठीक है। आई होप अभी जितना मैंने बताया वो क्लियर होगा आप लोगों को। आज की क्लास में मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी, क्योंकि इतना पहले अडेप्ट होगा, इतना पहले हम समझेंगे, समझ जाएंगे अच्छे से, तब हम आगे का और डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे चीजें और थोड़ी सी जो है कॉम्प्लिकेट होंगी, ठीक है। किसी को और कुछ कुछ डाउट है इससे रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। सबका क्लियर हुआ है अभी जो मैंने बताया जितना सबको? बताइए बेटा सब लोग। यस मैम, यस मैम, करुणा यस समझ आया मैम, बेटा? यस मैम, ठीक है, चलो तो फिर आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपके माइंड में कोई डाउट आता है तो उसे लिख कर रखिएगा, ताकि हम उसे कल क्लियर कर सकें, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोगों को आगे की चीज समझ में नहीं आएगी, ठीक है। चलिए तो क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, वेलकम बेटा, थैंक यू मैम। वेलकम बेटा।